मैं अंजना और आप देख रहे हैं जेएक्स न्यूज छत्तीसगढ़। चलिए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबरों की ओर। शक्ति जिले के घेवरा गांव के शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला के प्रधान पाठक अनीता पांडे की मनमानी सामने आई, जहां बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। आज शनिवार को सुबह 7:30 बजे स्कूल का समय है, जिसके बाद भी समय पर स्कूल नहीं पहुंचे, जिससे स्कूल के बच्चों और शिक्षक को स्कूल से बाहर 2 घंटे 45 मिनट तक प्रधान पाठक अनीता पांडे का इंतजार करते रहे। स्कूल समय से 2 घंटे 45 मिनट बाद 9:45 मिनट पर स्कूल के प्रधान पाठक स्कूल पहुंचे, जिसके बाद स्कूल के गेट ताला खोला गया। स्कूल बंद होने की सूचना पर शाला विकास समिति के अध्यक्ष कीर्तन महंत समेत ग्रामीण भी मौके पर पहुंचे हुए थे और प्रधान पाठक का इंतजार कर रहे हैं। स्कूल के 7वीं कक्षा की छात्रा ने बताया कि आज सुबह 8 बजे गणित का पेपर था। वहीं इस मामले में प्रधान पाठक अनीता पांडे से मीडिया ने उनके पक्ष जानने का प्रयास किया, तब उनका कहना है कि शनिवार होने वाले 8 बजे के पेपर को 10 बजे का समय निर्धारित किया था, लेकिन सवाल यह है कि समय में परिवर्तन की जानकारी स्कूल पदस्थ अन्य शिक्षक को नहीं थी क्या, जिसके कारण अन्य शिक्षक सुबह 7:30 बजे से स्कूल के बाहर प्रधान का इंतजार कर रहे थे। मामले में शक्ति डीईओ नरेंद्र चंद्रा ने कहा कि कभी कभी स्कूल के शिक्षकों द्वारा देरी हो जाती है, यह अंदरूनी मामला है, आपको जो खबर प्रकाशित करना है करिए। छत्तीसगढ़ घेवरा से संवाददाता संदीप कश्यप की रिपोर्ट। नीतू कुमारी कुर्रे। स्कूल अभी तक किसे कितने बजे का है? स्कूल माय 7:14 मिनट में। और स्कूल अभी तक किसे ने खोले हैं? नहीं पता। कहाँ गए थे तो गुरुजी बन? उन लोग बोल रहे हैं आधा जने को बताए हैं और आधा जने को नहीं पता है, 10 बजे स्कूल खुलेंगे बोल रहे थे। 10 बजे आज पेपर है क्या? हाँ। क्या के पेपर? गणित। 6 बजे शनिवार को ना 8 बजे से 11 बजे तक बताए। कौन सा क्लास में पढ़ता? 7। क्या नाम है तो? नीतू कुमारी कुर्रे। मैं कीर्तन दास महंत, इस स्कूल का अध्यक्ष, जो कि भाजपा सरकार ने मुझे मनोनीत किया है, और आज बच्चों का 7:30 बजे से गणित का पेपर है, बाकी अभी तक यह स्कूल में ताला लगा हुआ है। क्या कारण है? चाबी मांगने पर चाबी नहीं दे रही है श्रीमती अनीता पांडे, इस स्कूल का प्रधान पाठक, और टीचर लोग यहाँ आकर खड़े हुए हैं और बच्चे इधर से उधर घूम रहे हैं, इसकी जवाबदारी कौन होगा? आपने किसी अधिकारी से बात किया, क्या बोल रहे हैं? मैं बीओ साहब से बात किया हूँ, तो बीओ साहब मुझे बोले हैं कि आज तो हम लोग का ऑफिस डे बंद है, बाकी मैं सोमवार को इसका कार्यवाही करूँगा।